जिस तरह उसके स्वाभिमान का प्रतीक, उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक, उसके स्वाधीनता का प्रतीक होता है राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र का आत्म गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान, उसका प्रतीक है राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा के अभाव में देश का आत्मसम्मान, देश का आत्मगौरव, देश की अस्मिता कुंठित हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार संसार भर में लगभग 4000 भाषाएं बोली जाती है, 4000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। और यहां तक हम भारत की बात करें, ये तो एक बहुभाषा भाषी देश है। जो सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक 1640 भाषाएं लगभग भारतवर्ष में बोली जाती हैं। और हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि 4 से 5 हजार भाषाएं हैं विश्व की, और हिंदी बोलने वालों की संख्या संसार में तीसरी बड़ी भाषा के रूप में है, और एक हिसाब से देखें तो ये दूसरी बड़ी भाषा है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा बोलने वालों की संख्या है चीनी भाषा वालों की, लेकिन चीनी भाषा प्रचलित जो है चीन में ही है। तो दूसरे नंबर पे आती है अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या, और तीसरे नंबर पे हिंदी। लेकिन चीनी भाषा बोलने वाले जैसे कि मैंने बताया चाइना में ही है, तो उस हिसाब से देखें तो हिंदी जो है विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है। ये तो मैंने आंकड़ों की बात बताई। इसके बाद एक बात और आप लोगों को बताई मैंने कि कितनी ज्यादा भाषाएं हैं, और ये सारी भाषाएं हैं लगभग 20 लिपियों में बंटी गई हैं। यानी जितनी भी भाषाएं हैं 4 से 5 हजार के बीच, इनकी लिपियां 20 लिपियों में बंटी गई हैं, और देवनागरी लिपि ही ऐसी है जो कि साइंटिफिक है, यानी इसमें तर्क है, बाकी कोई भी लिपि साइंटिफिक नहीं बनी गई। ये भाषा वैज्ञानिकों का सर्वे कह रहा है, संसार के जितने बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं सभी भाषाओं के, तो उन्होंने तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया है कि देवनागरी लिपि जिसमें कि हिंदी संस्कृत इत्यादि लिखी जाती है, यही साइंटिफिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। वो कैसे, ये बात मैं आपको भी समझाती हूँ। देखो हिंदी हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, इसमें तर्क है, इसमें क्रैमिंग नहीं है। जैसे हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें कहीं भी तर्क नहीं है, उसमें रट्टा है, क्रैमिंग है। मैं साधारण से 2-3 आपको उदाहरण दे दूंगी। पीयूटी पट है तो पीयूटी पुट है तो बीजूटी बट है। सी एच कहीं च की साउंड निकाल रहा है, कहीं क की, चेयर सी एच, केमिस्ट्री सी एच, उसमें है ना। यानी यहां क्रैमिंग है, हमें हर जगह रट्टा लगाना पड़ता है। डीओ डू है, जीओ गो है, तो हर जगह क्रैमिंग है इस लैंग्वेज में। लेकिन देवनागरी लिपि ही है, ऐसी है जो वैज्ञानिक लिपि है। ये तो मैंने ये आंकड़े रखे। अब मैं इसके बाद बताती हूँ हिंदी भाषा का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आज से लगभग अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कोई भी भाषा उसका राष्ट्रभाषा होना इतना जरूरी क्यों होता है। क्योंकि जो राष्ट्रभाषा होती है वो देश को जोड़ने का कार्य करती है, देश की एकता का प्रतीक है। आज से लगभग 1400-1500 साल पहले यानी 7वीं शताब्दी में क्या था, पूरे देश को जोड़ने का काम करती थी संस्कृत भाषा। लेकिन महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके वंशज जो थे वो देश को एक नहीं रख पाए, और देश को तोड़ने का, देश के टुकड़े टुकड़े होने का बहुत सारा योगदान स्थानीय भाषाओं का भी रहा। क्योंकि जब देश की एक भाषा होती है तो समझ लो एक स्वर होता है। तो मैं ज्यादा इस गहराई में नहीं पढ़ते हुए, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी ये जो है चर्चा है, मैं बड़े कम शब्दों में आपको ये बताती हूँ कि राष्ट्रभाषा का महत्व किस तरह से महात्मा गांधी ने इसको अनुभव किया था। जब हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी जी ने इस बात को अनुभव किया कि अगर राष्ट्र को आजाद कराना है तो भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में
किसी एक भाषा का होना अनिवार्य है। एक ऐसी भाषा जो सरल भी हो, सुगम भी हो, जिसको अधिकांश जनता समझ सके, बोल सके। तो ये अनुभव किया, ये महसूस किया, ये जानना कि एक हिंदी भाषा ही है जिसमें क्षमता है, सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने की। तो तभी उन्होंने घोषित किया था हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा। और सन 1917 में, 1917 में उन्होंने तभी दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार समिति का जो है निर्माण किया था। उस समय सारे राष्ट्र के विद्वान, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी सभी ने एक मत से, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें और चाहे दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम स्वामी, सी राजगोपालाचारी, सब ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया था कि भारत को अगर स्वाधीन होना है तो देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। क्योंकि एक मंच पर सबने आना है तो एक भाषा में ही ये काम संभव था, क्योंकि सब अलग भाषा भाषी वाले इस देश में कोई भी नीति बनाना मुश्किल हो जाता। देश स्वतंत्र हुआ तब प्रश्न ये उठता था कि देश की राजभाषा किसको बनाया जाए। राजभाषा कौन सी भाषा होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है? तो संविधान समिति ने ये निर्णय किया एक मत से कि हिंदी ही देश की राजभाषा होगी। तो 14 सितंबर सन 1949 को देश के संविधान में हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ ये तो मैं इसके महत्व की बात कर रही हूं। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत जरूरी है, हिंदी भाषा से रोजगार की प्राप्ति मुश्किल है। तो मैं ये एक बात बता दूं, देखिए भाषाएं तो हमें बहुत सारी सीखनी चाहिए। किसी विचारक ने कहा है, लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड गेट अ न्यू सोल, यानी बहुत सारी भाषाएं सीखना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी भाषा का, अपने आत्मगौरव की भी रक्षा करनी है और हमें अपनी भाषा को भूलना नहीं है।